अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने सोलर पैनल्स को बहुत ही आसानी के साथ कैसे ठीक एंगल में ठीक पोजीशन में लगा सकते हैं। असल में जौन सा है सोलर पैनल की डायरेक्शंस और एंगल वगैरह जौन सा है वो सर्दियों में कुछ और होती है और गर्मियों में कुछ और होती है। तो अब जैसा कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं तो मैं आपको एक आसान सा तरीका जौन सा बताता हूँ कि आपने अपने सोलर पैनल का जौन सा एंगल है जिसे हम टिल्ट एंगल भी कह सकते हैं कैसे सेट करना है। अब सर इसके लिए सबसे पहले जौन सा है आपको कोई भी वाइट कलर का गत्ता ले लें या पेपर ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर किसी परफ्यूम वगैरह का ढक्कन जौन सा वो लगा लें। अब आपको करना ये है कि ये पेपर जौन सा है ये अपने सोलर पैनल के साथ एडजस्ट करना है टेप के साथ। टेप के साथ एडजस्ट करने के बाद असल में आपने जब टेप के साथ एडजस्ट करेंगे तो आपको सोलर नून का इंतज़ार करना है। सोलर नून से मतलब ये है कि आपका जो सा दिन है उसका हाफ जब सूरज बिल्कुल सेंटर में हो उस टाइम का इंतखाब करना है। सोलर नून के बारे में मैं वीडियो के एंड पे आपको थोड़ा सा और डिटेल से बता दूंगा। तो आपको करना ये है कि अपने सोलर पैनल के एंगल को इस तरह सेट करना है कि जो आपको साया नज़र आ रहा है ना ढक्कन का ये साया नज़र ना आए, ठीक है। तो साया आप अगर हम एग्जांपल के तौर पे ये इससे साया को ये इस जगह पे तकरीबन साया इसका ख़त्म हो रहा है तो हमने अपना सोलर पैनल इसी एंगल पर ही सेट करना। तो मैं सबसे पहले इस पेपर को टेप के साथ पैनल के साथ लगा के तो फिर आपको फर्दर बताता हूँ क्या करना है आपने। जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो सा ये इसे टेप के साथ लगा दिया यहाँ पे इस पेज को। अब मैं अपना ये जो आपको साया नज़र आ रहा है अपने सोलर पैनल का एंगल इस तरह सेट करूँगा यानी कि उसे ऊपर या नीचे की तरफ ऐसे सेट करूँगा कि ये साया जौन सा है सोलर नून जिस वक्त हो उस वक्त इसे इस तरह सेट करूँगे कि साया गायब हो जाए तो आपका जौन सा सोलर पैनल है वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में होगा। तो अब मैं आपको ये जौन सा अब इसके इस साए की डायरेक्शन के मुताबिक जौन सा मेरा सोलर पैनल जौन सा है वो नीचे की तरफ मूव होगा यानी कि उसका एंगल अगर ये है इस तरह है तो उसे मैं यूं करूँगा तो ये साया जौन सा कम हो जाएगा। हम आपको ये साया जौन सा है वो गायब करके दिखाता हूँ अपने सोलर पैनल के एंगल को सेट करने के बाद। जी तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे अपने पैनल को नीचे मूव कर रहा हूँ साया जौन सा वो गायब हो रहा है। आपको अपना एंगल इस तरह सेट करना है ये अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये साया जौन सा वो ख़त्म हो चुका होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे तो इसे यहीं पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे स्क्रू जौन से टाइट करते हैं। अब आप देख सकते हैं इस वक्त जौन सा वो हमारा जौन सा यहाँ पे साया था वो ख़त्म हो चुका हो गया। तो इस वक्त सोलर नून है और मैं आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगा जिसके जिस एप्लीकेशन से आप सोलर नून का टाइम जौन सा वो पता कर सकते हैं कि वो किस वक्त क्या टाइम होता है कि हमारा जौन सा दिन का हाफ हो जाता है जिसे हम सोलर नून कहते हैं। तो ये उस टाइम में जौन सा आप सूरज जौन सा वो बिल्कुल अपने सेंटर में होता है यानी कि जिस वक्त सोलर मून हो तो उस वक्त सूरज जौन सा है वो बिल्कुल सामने होता है। और अगर आप अपने सोलर पैनल की डायरेक्शन इस तरह सेट कर लें कि इस तरह एक उसका साया ख़त्म कर दें तो इसका मतलब आपका सूरज बिल्कुल प्लेट्स के ऊपर सीधा जौन सा वो रोशनी डाल रहा है। इस तरह मैक्सिमम सूरज की रोशनी जौन सी है वो आपके सोलर पैनल्स के ऊपर पड़ती है और अब मैक्सिमम एम्पीयर्स लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस एप्लीकेशन का नेम वगैरह आपको बता दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी एप्लीकेशन के बारे में आपको कुछ बता दूंगा। तो इसी तरह आप जौन सा है अपने सभी सोलर पैनल के एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसका साया ख़त्म हो चुका है। मैं इसी तरह ये बाकी अपने जो सी चार प्लेयर्स हैं इनका भी एंगल सेट करता हूँ ताकि मुझे मैक्सिमम एम्पीयर्स मिल सकें।
जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपनी जो सी छः की छः प्लेट्स हैं उनका एंगल सेट कर दिया, और अब क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं ये ज़रूरी था। गर्मियों में सूरज की डायरेक्शन और होती है, सर्दियों में सूरज की डायरेक्शन और होती है, तो उसके मुताबिक आपको जो उनसे है इसे कम। जी फ्रेंड्स, आप अपनी सोलर नून जो उनसे अपने शहर के मुताबिक सोलर नून के टाइम का कैसे पता कर सकते हैं कि आपके शहर में सोलर नून जो है वो किस वक्त होती है, तो उसके लिए आप इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं। उसमें आप अपना ब्राउज़र खोलें और जो सा है आप timeanddate.com वेबसाइट है ये आप ओपन करें, और वेबसाइट को ओपन होने के बाद यहाँ पे इस मेन्यू में जाएं सन एंड मून में एंड, और उसके बाद सन कैलकुलेटर पे आए। सन कैलकुलेटर पे आने के बाद आप इस जगह पे अपना जो सा है वो सिटी का नाम लिखे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाहौर लिखता हूँ, लाहौर। आप ये लाहौर आने के बाद क्लिक करें, और इसके बाद आप सन जो सा है लाहौर ये चीज़ जब आपके सामने आ जाए तो आप पेज को थोड़ा सा ऊपर करें, और ये सन एंड मून टूडे यानी कि सूरज और चांद आज के दिन में, सन एंड मून टूडे पर क्लिक करें तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसके थोड़ा सा नीचे आप ये एक ग्राफ देख रहे होंगे, एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें सूरज के बारे में आपके शहर में जौन सा सन है उसके टाइम के बारे में ये चीज़ बताई गई है। अब मैंने जैसे कि लाहौर सेलेक्ट किया था तो आप ये देख सकते हैं कि लाहौर में सनराइज है जौन सा वो 5:20 पे होगा, ठीक है जी। और सनसेट जिसे हम मगरिब का वक्त कहते हैं वो है 6:40 पर, यानी कि जो सूरज तलू होने का टाइम है वो 5:20 है और सूरज गरूब होने का वक्त 6:40 है। अब इसमें ये पॉइंट जो सा है ये यहाँ पर ये टाइम लिखा हुआ है कि आपकी सोलर मून कितने बजे होगी, तो आज की डेट में जो सी सोलर मून है वो 12:00 यानी कि दोपहर 12:00 होगी। आप ये देख सकते हैं उन्होंने सनसेट और सनराइज के दरमियान में जो सा ये कैलकुलेट की हुई है डेटा। अब ये लाहौर शहर की सोलर मून का जो सा टाइम है वो 12:00 है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब हर शहर की सोलर मून का टाइम डिफरेंट है, लाहौर का 12:00 तो अब फॉर एग्जांपल मैं कराची सर्च करता हूँ तो कराची हम लिखते हैं कि आर एच लेते कराची। अब यहाँ पे आप कराची सेलेक्ट करके करेंगे तो आप देखेंगे कराची में जो सोलर मून का टाइम है वो 12:29 है, तो हर शहर का सोलर मून टाइम जो सा है वो अलग है। आप इस सोलर नून के एग्जैक्ट जो भी जैसे अब कराची का टाइम जो सा सोलर नून टाइम वो 12:29 है, तो आपने जब अपने सोलर पैनल के टिल्ट एंगल को सेट करना है तो वो आपने एग्जैक्टली 12:29 पर सेट करना है। 12:29 पर सोलर नून का यहाँ पे टाइम शो रहा है कराची का, इसका मतलब है कि सन जो सा है वो अपने मैक्सिमम पीक पर हो, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम पिशावर का सर्च करते हैं, पिशावर यहाँ पे टाइप करें सर्च करें तो पिशावर में जो सोलर मून का टाइम है वो 12:11 है। तो इस तरह हर शहर का जो सा वो सोलर मून टाइम डिफरेंट है, आप अपने सिटी के मुताबिक ही अपना अपना सोलर मून का टाइम सर्च करें। इसके अलावा किसी और का भी अगर सर्च करके देख लें, फॉर एग्जांपल हम गुजरांवाला सर्च करते हैं तो गुजरांवाला में सोलर नून का टाइम भी 12:00 है, ठीक है जी। तो ये एक वेबसाइट है timeanddate.com जिसने आप जो सब अपने सोलर नून का टाइम पता कर सकते हैं। आप ये वेबसाइट अपने मोबाइल फ़ोन पे भी खोल सकते हैं और देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है, आप जो सा वो चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वेबसाइट आपको अच्छी लगी होगी, और अपने शहर के मुताबिक आपने जो अपना सोलर नून का टाइम है वो पता करने के लिए बेहतरीन वेबसाइट है, इसे इस्तेमाल करें।